एक तो रूबिका जी को अपने फैक्ट्स करेक्ट करने चाहिए कि मोदी जी को ज़्यादा पता है या उनको ज़्यादा पता है। मोदी जी ने ही बता दिया कि EWS की जो रिजर्वेशन जिसको दी है वो ही हिंदू हैं। हमारा इल्ज़ाम ये है उनके ऊपर कि उन्होंने देश के लाखों करोड़ रुपए अमित शाह और अडानी जी के साथ मिलकर उन्होंने लूटे हैं। जैसे 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी खतरे में आई है, तो इसके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करके NIA को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जनसभा हुई थी और ये कैसा गणतंत्र जिसमें मिटा दिया जनतंत्र। तमाम लोगों ने यहाँ पर जो है बैठक की और यहाँ पर जो है जो मॉब लिंचिंग हुई है, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार, जिस तरीके से बलात्कारियों को छोड़ दिया जा रहा है, बिल्किस बानो का भी हाल ही में मैटर आया था। तो आपको मैं बता दूं, हमारे साथ है महमूद प्राचा जी, तो तमाम उन बातों पर चर्चा करेंगे। तो प्राचा साहब, जैसे अभी आपने कहा कि 80 बनाम की जो लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी जो रामचरितमानस वाला जो अभी मैटर हुआ है, रामचरित की प्रतियां फाड़ी गई हैं वृंदावन में, वो भी मौर्य के समर्थन में, तो रूबिका लियाकत कहती है कि 80% जो हिंदू हैं उनको ये मुस्कुराकर ये प्रतियां फाड़ रहे हैं तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इस तरीके से बोला जाता है। तो 80% हिंदू बताया जा रहा है, इसको आप कैसे देख? पहले तो रूबिका जी ने क्या मोदी जी से बगावत कर दी है? मोदी जी बता रहे हैं कि उन्होंने EWS की जो रिजर्वेशन है वो हिंदुओं को दे दी है, यानी कि 10% दे दी है, हालांकि हैं वो 12.5% होने चाहिए। तो एक तो रूबिका जी को अपने फैक्ट्स करेक्ट करने चाहिए कि मोदी जी को ज़्यादा पता है या उनको ज़्यादा पता है। देश में जो मोदी जी के हिसाब से हिंदू हैं वो 10% हैं जिनकी उन्होंने रिजर्वेशन दे दी है उन्हें, एक बात तो ये है। दूसरी बात, जो तुलसीदास जी का जो एक रामचरित मानस है उसकी जो जलाया जा रहा है, उसके बारे में मैं तो एक कानूनी व्यक्ति हूँ तो कानूनी बात ही बता सकता हूँ। देखिए, किसी को भी हमारे देश में, अगर कोई अकेला व्यक्ति भी है, कोई अगर या जितने भी लोग हैं रामचरितमानस मानना चाहते हैं अपने दिल से, तो वो उसे मान सकते हैं। जो लोग उसकी जो पंक्तियां हैं उसको भी अपने दिल से मानना चाहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अगर वो मानना चाहते हैं, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये इसको कोई मानना चाहता है तो उसको भारत का संविधान पूरी इजाज़त देता है। कोई व्यक्ति यदि चतुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्र की वर्ण जो वर्ण है उसमें आता है, परंतु वो ये समझता है कि वो ताड़न का अधिकारी है या पिटाई का अधिकारी है, तो उसको पूरी छूट है भारत के संविधान से, वो उसको मान सकता है, लेकिन ये किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जिसके ऊपर सारा ये जो लोग शूद्र की वर्ण में कहे जा रहे हैं, वो उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो इस विरोध का भी उनको अधिकार है। लेकिन अगर कोई अपने आप ही पिटने का अधिकारी समझता है तो उसको भारत की संविधान खुली छूट देता है, वो खूब जाके पिट सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो इसका ये मूलभूत जो संविधानिक व्यवस्था है वो ये है। तो पूरी आज़ादी है, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो इस बात को कहें, पूरी आज़ादी है जो लोग कहे जाते हैं कि वो शूद्र वर्ण से आते हैं, वो अगर पिटना चाहते हैं तो पूरी आज़ादी है उन्हें भारत संविधान में जाके पिटें। लेकिन इसमें एक कमी रह जाएगी, अगर ये किसी की पब्लिक नॉलेज में आ गया या किसी कानून व्यवस्था स्थापित करने वाली पुलिस एजेंसी या दूसरी किसी एजेंसी के सामने आ गया, तो भारत देश में संविधान ये कहता है कि स्टेट वर्सेस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो कानूनी कार्रवाई करे जो कानून को तोड़ रहा है। तो अगर कोई कानून तोड़ता है किसी की पिटाई करके या पिटाई करने की बात कह के, तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी है उसको उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको जेल भिजवाए। हाँ, अगर ये बंद कमरे के अंदर कोई किसी को पीटना चाह रहा है और कोई खुद जाके पीटना चाह रहा है और वो पब्लिक डोमेन में बात नहीं आती है, तो उसकी आज़ादी भारत का संविधान देता है। इसी तरीके से अखिलेश यादव जो है उनको हिंदू से बाहर कर दिया जा रहा है, और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को मंदिर जाने पर रोक लगाई जा रही है, और इसी विहाप पर जो सत्ता में आई थी BJP सरकार पिछड़ों और दलितों के वोटों से, तो अब उनको हिंदू मानने से इनकार कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? तो वो तो मोदी जी ने ही कर दिया ना,
मोदी जी ने ही बना दिए बता दिया कि EWS की जो रिजर्वेशन जिसको दी है वो ही हिंदू हैं, तो अखिलेश जी तो उसमें शायद अप्लाई नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरी समझ है, कानूनी समझ, अखिलेश जी तो EWS में अप्लाई ही नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी मोदी जी बता सकते हैं, बता चुके हैं, तो ये तो सिर्फ उसको मोदी जी की बात को दोबारा दोहराया ही जा रहा है ना, ये तो समझने की बात है। अगर कोई हिंदू बनना चाहता है तो भारत के संविधान में उसको पूरी आज़ादी है, अगर वो बन सकता है, और कोई मनुवादी मन व्यवस्था में उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन सकता है, क्योंकि एक कोई हमारे यहाँ के भी कोई व्यक्ति थे, वो त्यागी जी बनने चले थे, तो उनको तो त्यागी माना नहीं त्यागी लोगों ने कि बन ही नहीं सकते आप, उनको ये कह के लात मार के निकाल दिया गया। तो फिर भी अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो वो कोशिश कर सकता है, लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि सभी लोग बराबर हैं, कोई हिंदू है या नहीं है, तो हमें सबको ये देखना है कि हम भारत के संविधान में बराबर के नागरिक हैं या नहीं है। कोई किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो वो उसके अंदरूनी मसला है, घर के अंदर की बात है, इसके लिए कुछ बनने के लिए या कुछ ना बनने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा जद्दोजहद भी क्यों करनी है, जब तक आप भारत के नागरिक हो। बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया है ना, बाबा साहब ने आपको चीफ मिनिस्टर बनने का अधिकार दिया है, तो और किसी लफड़े में और किसी झगड़े में पड़ना ही क्यों है। अच्छा, BBC डॉक्यूमेंट्री जो भारत में आनी थी उसको बैन लगा दिया प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर उसे देखने से क्यों रोका जा रहा है, मगर उसका लिंक जो है शेयर किया जा रहा है, लगातार तमाम लोग देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं। देखिए, बैन नहीं किया है, बेईमानी करके ज़बरदस्ती डायरेक्शन जारी किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, कि ये मूवी ना दिखाएं। बैन नहीं किया, बैन करते तो उसको अदालत में चैलेंज किया जाता, कोई भी चैलेंज कर सकता था। ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं, मुझे हैरानी है इस बात की। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार को इसमें कोई गलत बात लग रही है तो उनको चाहिए इसके खिलाफ FIR दर्ज करें, BBC को एक आतंकवादी संगठन घोषित करें, उनके खिलाफ UAPA का मुकदमा लगाएं, या कोई और दूसरा देशद्रोह का मुकदमा लगाएं, वो तो लगा नहीं रहे। तीसरी बात यह है कि ऋषि सोनक जो हैं, अभी जो हमारे जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग थे, वो तो पूरे यहाँ पे इंडिया में पटाखे छोड़ रहे थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, अब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला नमूना तो ये दिया है। हमें तो दुख इस बात का है कि हमारे देश का डिप्लोमेटिक फेलियर कितना है, मोदी जी अच्छे या बुरे हैं, हम उनका खुद संवैधानिक तरीकों से, शांतिपूर्ण तरीकों से इलाज करेंगे, उनको सत्ता से हटाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमे चलाएंगे, क्योंकि अडानी जी के साथ मिलके हमारा इल्ज़ाम ये है उनके ऊपर कि उन्होंने देश के लाखों करोड़ रुपए अमित शाह और अडानी जी के साथ मिलके उन्होंने लूटे हैं, तो वो हमारा अंदरूनी मसला है, हम उनके खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई भी करेंगे, उन्हें जेल भी भिजवाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहर की एजेंसी ये काम कर रही है और वो गलत कर रही है, तो हमारी सरकार का, खास तौर पे फॉरेन मिनिस्ट्री का, बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है कि वो अपने खुद के घर के आदमी को, जिसको वो घर का आदमी बताते हैं, उसको ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ की एक न्यूज़ एजेंसी जो है BBC, वही ऐसी खबरें कर रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन को भी मोदी जी अपना बड़ा घनिष्ठ मित्र बताते हैं, वहाँ की जो हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी है, उसने देश में इतना बड़ा खुलासा कर दिया है, और देश की जो अर्थव्यवस्था है अडानी जी और मोदी जी के हिसाब से हिंडनबर्ग ने खतरे में डाल दिया है, और हमारे हिसाब से अडानी जी और अमित शाह जी और मोदी जी ने डाल दिया है। दोनों ही सूरतों में ये एक आतंकवाद की घटना है। सेक्शन 15 UAPA का लोग पढ़ लें, जो आपके दर्शक हैं, कि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जो खतरे में डालती है कोई भी काम, जैसे 11 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी खतरे में आई है, तो इसके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करके NIA को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अडानी भी जो है दावा कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने जो इस तरीके का दिखाया है तो भारत में ये बंद होना चाहिए, इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो बंद कैसे होगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराए ना, अमित शाह जी के अंडर तो है NIA, अमित शाह जी का ही तो मिली भगत से ये सारे काम कर पा रहे हैं, वरना SEBI उनके खिलाफ एक्शन ना लेती, वरना PMLA का इससे बड़ा कोई मुकदमा हो सकता है। ये छोटे छोटे लोग जो छोटे छोटे पैसे के लिए, तो उन्होंने संजय रावत जी पे FIR कर, PMLA का मुकदमा दर्ज कर दिया, राहुल गांधी जी पे कर दिया, प्रियंका गांधी जी पे कर दिया, सोनिया जी पे कर दिया, उनके खिलाफ तो कोई गबन का केस भी नहीं है। और उसी तरीके से लालू यादव जी के खिलाफ, उसी तरीके से जो महाराष्ट्र के MLA हैं उनको डरा धमका के मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ दी, आसाम में ये सब हरकतें कर रहे हैं, पूरे देश में ममता बनर्जी के जी के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करा दी। तो अडानी जी जो हैं, अडानी जी तो एडमिटेड केस है ना उनका, उनको 11 लाख करोड़ का नुकसान हो गया,
वो ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने नकली करा दिया, तो अडानी जी एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? इसलिए नहीं करा रहे कि उनका, अमित शाह जी का और मोदी जी का रोल जो है 11 लाख करोड़ रुपए के लूटने का, और जिस तरीके से उन्होंने सारे एयरपोर्ट अडानी जी को दे दिए हैं, सारी जो पोर्ट्स हैं वो अडानी जी को दे दिए हैं, उसका रास फाश हो जाएगा, इसलिए ये सब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे महमूद प्राचा जी, तमाम बातों पे जो है उनसे चर्चा की, किस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर्स जो है हिंडनबर्ग ने जो तमाम मीडिया के सामने दिखाया, तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो अब भारत में बैन करने की, उसको भी भारत में बैन करने की बात की जा रही है। तो आप ये देखिए, मिली जुली सरकार है, तमाम लोग किस तरीके से खेल खेलते हैं और किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं उन लोगों को, जो लोग इस तरीके की सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या फिर टीवी मीडिया देखने वाले, उन लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, ITO दिल्ली।